हाँ देखिए, 2000 के नोटों की बंदी पर ये काले धन पर स्ट्राइक है। जिस प्रकार से 2000 के नोटों से काले धन में कम जगह घेर कर ज़्यादा काला धन इकट्ठा करने में ये नोट सहयोगी होते हैं, और आम जनता जो निम्न आय वर्ग है, जो सामान्य आय वर्ग है, जेन्युइन लोग हैं, उनकी सेहत पर इस निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्षियों को उन्हीं को परेशानी है जिनके पास संभवतः बहुत ज़्यादा ऐसा काला धन है, इसलिए उनमें घबराहट हो रही है और छटपटाहट हो रही है, और वो अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। अन्यथा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में, चट्टान की तरह चौकीदार के रूप में देश की आम जनता के साथ खड़े हैं, और ईडी के या विभिन्न एजेंसियों के तमाम छापों में आप देखेंगे कि लोगों पे ज़्यादातर जहां पर छापे पड़े हैं 2000 के नोट निकले, बड़ी संख्या में निकले, और अब उनको बैंकों में भी जमा कराने में उसके प्रमाण देने होंगे, यानी कठिनाई आएगी। उस काले धन पे ये बड़ी चोट है। आम आदमी के पास 4 महीने का से भी ज़्यादा का समय है कि वो चाहे बाजार में चलन के माध्यम से या बैंक में जमा कराने के माध्यम से वो जो भी नोट हैं वो उनको जमा करा सकता है। मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से यदि इन 4 महीने में भी जेन्युइन लोगों को यदि कोई 2000 के नोट को चलने में या बैंक में जमा करने में इन 4 महीने की समय अवधि में कोई कठिनाई आएगी, तो मैं भी आम जनता की मदद के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा और आम जनता की मदद करूंगा। इस निर्णय से, नोटबंदी के निर्णय से, 2000 के नोटों की बंदी के निर्णय से आम जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं।